हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। टुडे इन दिस इंग्लिश क्लास ऑफ क्लास 10th वी शैल स्टडी द थर्ड पोयम ऑफ द बुक द लोटस। द लोटस, लोटस क्या है यहाँ पे? लोटस एक कमल का फूल है। लोटस क्या है? कमल का फूल। देखो, इंडिया में, अपने भारत में कमल के फूल को बहुत पवित्र माना जाता है। और कुछ देवताएँ, लक्ष्मी जी है, विष्णु भगवान है, उनके क्या है सिंहासन या उनके आसन रहे हैं, उस पर वो विराजमान दिखाए गए हैं हमारे इंडियन माइथोलॉजी में। सो कमल जैसे बहुत सारे पुरस्कार जो भारत सरकार देती है, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, वो भी कमल के ही उस पर संकेतक होते हैं। तो कमल के फूल को बहुत पवित्र दिखाया गया है। और द लोटस इज द पोएम रिटन बाय तोरुदत्त। तोरुदत्त कौन थी? जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में पैदा हुई थी। तोरुदत्त, तोरुदत्त जो थी वो तीन भाई बहन थे, तोरु, अरु और अब्जू। तोरु, अरु और अब्जू। तोरु, ऐसी तोरु को सबसे कम उम्र की पोइटेस माना गया है। सबसे कम उम्र की पोइटेस कवित्री रही है ना तोरु। और कलकत्ता में पैदा हुई थी। और उस तोरुदत्त ने इंडियन जो रिलीजियस बुक्स है, इंडियन रिलीजियस जो बुक्स है, रामायण है, महाभारत है, विष्णु पुराण है, भागवत गीता है, इन पे पोइम्स लिखी हुई है, इन पे पोइम्स लिखी हुई है। सो ऐसे पोइट जो इंडिया में पैदा होते हैं और फॉरेन लैंग्वेज में लिखते हैं, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? इंडो एंग्लियन पोइट। उनको क्या कहते हैं? इंडो एंग्लियन पोइट कहते हैं। इस पोइम में क्या होता है? दो फूलों की लड़ाई है। एक है लिली का फूल, दूसरा है रोज, यानी गुलाब का फूल। अब आप जानते हो कि गुलाब का फूल लाल होता है, फ्रेश होता है और बड़ा सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। उसकी जो स्टेम होता है, तना होता है, वो बड़ा कोमल होता है। और इसकी अपेक्षा जो लिली का फूल होता है, लिली का फूल वाइट होता है और हल्का सा येलोनेस होता है उसमें, और उसका जो स्टेम होता है वो मजबूत होता है। दोनों फूलों में कई सालों से लड़ाई हो रही है, कि जो फूलों की रानी है, क्वीन ऑफ द फ्लावर्स, कौन किसको बनाया जाए, है ना। दोनों फूलों में लड़ाई हो रही है कि क्वीन ऑफ द फ्लावर किसे बनाया जाए। यहाँ पे आएगा लव, लव जो होता है प्रेम, प्रेम का देवता होता है क्यूपिड, क्यूपिड होता है जिसको बोलते हैं प्रेम का देवता। और फ्लोरा होते हैं फूलों की रानी, है ना। फूल, फ्लोरा कौन होती है? फूलों की रानी। तो एक दिन क्या है, प्रेम का देवता फ्लोरा के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे ऐसा फूल दो जो फूलों की रानी बन सके, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ हो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ हो, ठीक है। तो पहले वो उसको लिली का देती है, फिर वो उसको रोज का देती है। लेकिन फ्लो जो क्यूपिड है वो सोचता है कि कौन सा फूल अच्छा है, लेकिन फिर वो कहती है कि दोनों का कॉम्बिनेशन दे दो। और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या था? लोटस। दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा फूल था? लोटस का, यानी कि कमल का फूल, जो सुंदर भी होता है और मजबूत भी होता है। तो इस पोएम को हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लोवर दैट वुड ऑफ फ्लोवर्स बी अनडिस्प्यूट क्वीन द लीली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। लव केम टू फ्लोरा, लव प्रेम का देवता है, कौन होता है? क्यूपिड। कौन होता है? क्यूपिड, CUPID, क्यूपिड। केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लोवर, फ्लोरा फूलों की देवी, वनस्पति की देवी होती है, उसको फ्लोरा बोलते हैं। आस्किंग फॉर अ फ्लोवर, एक फूल मांगने आया। दैट वुड ऑफ फ्लोवर्स बी अनडिस्प्यूट क्वीन, जो निसंदेह बिना लड़ाई झगड़े क्या है, वुड बी फ्लोवर्स बी अनडिस्प्यूट क्वीन, जो भी निसंदेह रानी बन सके। द लीली एंड द रोज, लीली और जो रोज है, लॉन्ग लॉन्ग हेड बीन राइवल्स, लंबे लंबे समय से एक दूसरे के राइवल्स, प्रतिद्वंदी रहे हैं। फॉर दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए। कौन सा उच्च सम्मान? फूलों की रानी बनने के लिए। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लोवर, लव यानी प्रेम का देवता केम टू फ्लोरा, फ्लोरा के पास आता है आस्किंग फॉर अ फ्लोवर, एक ऐसा फूल मांगने के लिए। दैट वुड ऑफ फ्लोवर्स बी अनडिस्प्यूट, यानी निसंदेह बिना लड़ाई झगड़े के क्वीन बन सके। द लीली एंड द रोज, लीली और रोज में लॉन्ग लॉन्ग हेड बीन, लंबे लंबे समय से ट्रैवल्स झगड़े होते रहे हैं। फॉर दैट आई होनर, उस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए। यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेंजा खत्म होता है। आगे देखते हैं। बार्ड्स ऑफ पावर
एट संग दियर क्लेम्स द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लीली विद अ जूनो माइन बट इज द लीली लवलियर दस बिटवीन फ्लोवर पेक्शंस रेंज द स्ट्रिप इन साइकी बावर बर्ड्स ऑफ पावर बर्ड्स ऑफ पावर अर्थात बहुत सारे कवियों ने कविताओं में एट संग गाए हैं देयर क्लेम्स अपने अपने दावे किए हैं दियर ने उनके स्वयं के क्लेम्स एंड दावे अर्थात किसी ने लीली को बेस्ट बनाया किसी ने रोज को बेस्ट बताया द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लीली विद अर जूनो माइन द रोज और जो गुलाब का फूल है कैन नेवर टावर वो कभी खड़ा नहीं रह सकता लाइक द पेल लीली पीली लीली के फूल के समान विद अर जूनो माइन लाइक द पेल लीली विद अर जूनो माइन और जूनो माइन कौन है वर्षा के देवता या बृहस्पति की पत्नी अर्थात उनकी जो पत्नी की सुंदर जूनो माइन की जो सुंदरता है उसके समान पीले जो लीली उसकी सुंदरता नहीं है और रोज कैन नेवर टावर और रोज का जो फूल है वो लीली के समान मजबूत नहीं है और जो लीली है वो जूनो माइन के जैसी नहीं है लाइक द पेल लीली विद अर जूनो माइन अर्थात जूनो माइन के जैसी सुंदर लीली नहीं है बट परंतु इज द लीली लवलियर परंतु क्या लीली सुंदर है अर्थात लीली सुंदर नहीं है जैसी जूनो माइन सुंदर है वैसी लीली सुंदर नहीं है दस इन्हें इस प्रकार से बिटवीन फ्लोवर पैक्शंस और ये फूलों का जो दलता रेंज इन्हें पहुंचा द स्ट्रिप इन साइकी बावर अर्थात ये लोगों में साइकी मीन्स ये है आत्मा अर्थात मन अर्थात ये जो बात थी वो लोगों तक पहुंची दस इन्हें इस प्रकार से बिटवीन फ्लोवर पैक्शंस और जो फूलों के जो दलते अर्थात कि किस फूल को बेस्ट बनाया जाए किस फूल को बेस्ट बनाया बताया जाए रेंज इन्हें पहुंचा द स्ट्रिप इन साइकी बावर इन्हें फूलों तक के बावर तक कुंजुआ तक पहुंची गिव मी अ फ्लावर मुझे ऐसा फूल दो डिलीशियस एज द रोज रोज के समान कैसा हो खुशबूदार हो डिलीशियस खुशबूदार एज रोज एंड स्टेटली एज द लीली इन हर प्राइड और सीधा खड़ा रहे स्टेटली सीधा रहे एज द लीली इन हर प्राइड गर्व से अर्थात जो इसका तना भी मजबूत हो बट ओ वॉट कलर परंतु किस कलर का रोज रेड रोज के समान लाल लव फर्स्ट चूज प्रेम के देवता ने पहले चुना देन प्रेड फिर प्रार्थना की नो लीली वाइट लीली के समान वाइट और बोथ प्रोवाइड या फिर दोनों दे दो एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइट एंड लीली वाइट द क्वीन लिस्ट फ्लोवर दैट ग्लोज देन फ्लोरा देन प्रेड फिर प्रार्थना की नो लीली वाइट लीली के समान वाइट एंड बोथ प्रोवाइड या दोनों दे दें एंड फ्लोरा गेव द लोटस और फ्लोरा ने क्या दिया क्यूपिड को रोज रेड डाइट रोज के समान तो लाल कलर का एंड लीली वाइट और लीली के समान सफेद कलर का द क्वीनलेस्ट फ्लावर दैट ग्लोज द क्वीनलेस्ट जो फूलों की पंक्ति में ग्लोज जो खिलता है अर्थात वो कौन सा फ्लावर था लोटस का इसको वापस देखते हैं गिव मी अ फ्लावर मुझे एक फ्लावर दो डिलीशियस जो बड़ा सुंदर हो बड़ा सेंस खुशबूदार हो एज द रोज रोज के समान एंड स्टेटली हैज द लीली और स्टेटली सीधा खड़ा रहे एज द लीली लीली के समान इन हर प्राइड यानी गर्व से अर्थात जो लीली के समान मजबूत हो इसका तना मजबूत हो जो गर्व से खड़ा रहे बट ऑफ वॉट कलर परंतु किस प्रकार का फूल फ्लोरा ने क्यूपिड से कहा किस प्रकार का तो रोज रेड रोज के समान लाल लव फर्स्ट चूज प्रेम के देवता ने पहले सुना कि मुझे रोज के समान लाल ले लेना चाहिए अर्थात रोज ले लेना चाहिए देन प्रेड फिर पाते नो लीली वाइट मुझे लीली के समान सुंदर वाइट भी चाहिए या फिर ऐसा करो दोनों ले लेता हूँ मैं बहुत प्रोवाइड है ऐसा करो दोनों दे दो प्रोवाइडर उपलब्ध कराना तो मुझे दोनों उपलब्ध करवा दो एंड फ्लोरा गेव द लोटस और फ्लोरा ने लोटस को क्या दिया एंड फ्लोरा गेव द लोटस फ्लोरा ने क्या दिया लोटस का फूल दिया किसको दिया क्यूपिड को दिया रोज रेड जिसमें क्या थी रोज के समान लाली भी थी एंड लीली के समान सफेदी भी थी द क्वीन लिस्ट जो फूलों की पंक्ति में के फ्लावर में दैट ग्लोज जो खिलता है ठीक है यहाँ तक ये पोएम एंड है और आई होप दैट यू विल हैव गॉट द फुल मीनिंग्स ऑफ द ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ द
poem. Okay, thank you so much. It is sufficient for today, and I hope that you will give all of the answers of the questions that will be appeared in your unit test first. Okay, there will be the 4 poems question answer and 2 explanations in your unit test first. Okay, thank you so much.